ये मेकअप लुक का वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का जो लुक है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप लुक बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। ये भी वीडियो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ईजी तरीके से आप ये सारे मेकअप और ये साड़ी ड्रेसिंग सब कुछ सीख सकते हो इस चैनल पर। तो इस तरीके का लुक कुछ मैंने क्रिएट किया था इस मेकअप के साथ, तो प्लीज़ गो टू आई बटन पे क्लिक करके ये मेकअप लुक जरूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि खूबसूरत से मेकअप आर्टिस्ट एंड सिंपल मेकअप ब्राइडल मेकअप किस तरीके से आप कर सकते हो। एक्ने पिंपल के लिए मेकअप अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। जिसके भी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल है, मेकअप करने में बहुत दिक्कत आती है, तो वो क्लियर हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मैंने कल की वीडियो में बताया था एक्ने पिंपल डार्क स्पॉट्स मेरे स्किन पे अभी हो गया है बहुत ज़्यादा पिंपल नोज पे यहाँ पे, तो किस कैसे हाइड करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे अपने स्किन को, गर्दन का जो कालापन होता है वो कैसे हाइड करेंगे, पूरा डिटेल में बारीकी के साथ स्टेप बाई स्टेप वीडियो जा चुकी है, चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो जो है वो है आई मेकअप से रिलेटेड, तो ब्यूटीफुल सा आई मेकअप बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसको भी एक्ने पिंपल है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, हाइड करने में दिक्कत होती है, कैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ब्लेंड करेंगे कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल प्रोफेशनल आए, बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो ये बिल्कुल नेचुरल कैमरा है और मेरा मेकअप आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, कुछ भी हैवी नहीं है, तो आप जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप कैसे करना चाहिए और आई मेकअप को क्या क्या बारीकियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें जान अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आई मेकअप करते टाइम। तो जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हो, मेकअप सीख रहे हो या फिर मेकअप करने गए हो कहीं पे ब्राइडल्स वगैरह के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो सीटीएम होता है, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब कुछ करने के बाद प्राइमर अप्लाई करेंगे एंड आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। जब आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाए प्रॉपर आईलैशेस वगैरह लगा के सब कुछ क्लियर, उसके बाद आपको अपना फेस वेयर बेस रेडी करना चाहिए। आप प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर लेते हो तब तो ठीक है, आपने फेस मेकअप कर लिया उसके बाद अपना आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आप बिगिनर्स हो, सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट करना है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग सीखते टाइम आई मेकअप मेकअप स्टार्ट करते हैं, अगर हमने पहले अपने फेस का बेस रेडी कर लिया उसके बाद अगर मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आएगी, हमारा जो आई प्रोडक्ट है, आई शेडो हो गया, ग्लिटर हो गया, लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, वो हमारे फेस पे गिरता है, जिसकी वजह से हमारा फेस बेस जो होता है वो खराब हो जाता है ना। किस किस के साथ ऐसा हुआ कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी जब सीखती थी और ट्राई करती थी तो बहुत ऐसा दिक्कत आता था, इसीलिए बस बोल रही हूँ कि पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद फेस का मेकअप रेडी कीजिए। क्योंकि जब हमने आई मेकअप कर लिया, जो भी प्रोडक्ट गिरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मेकअप का काजल लाइनर सब आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद उसको टीशू से या फिर कॉटन से हटा देंगे, उसके बाद से आप अपना फिर से प्राइमर अप्लाई करके फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लशर, हाइलाइटर सब कुछ अप्लाई कीजिए, आपका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो चलिए, मैंने तो मेकअप कर लिया है, मैं आज आई मेकअप के बारे में आपको बताती हूँ। ये तो हो गया कि आई मेकअप करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो, तो सबसे पहले आपको कैसे मेकअप स्टार्ट करना, तो बालों को थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि बाल डिस्टर्ब ना करें हमको मेकअप करते टाइम। ओके, तो ये मेकअप बहुत ही खूबसूरत सा हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल नेचुरल कैमरा है। आप अगर मुझे लॉन्ग टाइम से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है और इस मेकअप में आपको डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है आईब्रो कैसे फील करना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा हो जाए आईब्रो में कलर तो कैसे निकालना चाहिए, तो सारी वीडियो डिटेल में अपलोड की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा कि आईब्रो फील करने का सारा प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आई मेकअप करने का, सबसे पहले आपको क्या करना है, आईब्रोज को हाईलाइट करना, तो उसके लिए आपको ये ब्लशर में से हाईलाइटर इस तरीके से वाइट कलर वाला लेना या फिर हाईलाइटर ही ले लो, और ये जो हमारा
आईब्रो का उठा हुआ पार्ट होता है, यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे पक्का अप्लाई करना है, पक्का मतलब 100% अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो आई मेकअप है वो उभर के आए यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्रीच एरिया के ऊपर कैसे कलर अप्लाई करते हैं। ओके, तो क्रीच एरिया हमारी क्या होती है, क्रीच एरिया जो हमारा ये हड्डी होता है आईज का, इसके जस्ट ऊपर, इसके ऊपर जैसे भी आपका आई मेकअप कर रहे हो उसका लाइट शेड आपको लेना है, डार्क ब्राउन, लाइट पीच कलर, लाइट पिंक कलर, ये अप्लाई करना है। एंड मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर ले रही हूँ। जब हमने मेकअप बेस फेस का मेकअप कंप्लीट कर लिया है, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमेशा निकाल देना है। और फिर ये हमारी हड्डी है, यहाँ से आपको कलर अप्लाई करना है, ब्रश को राउंड राउंड घुमाते हुए। अगर मेकअप करने के बाद भी अगर कुछ प्रोडक्ट चेहरे पे गिर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है वो भी बताऊँगी, इसके लिए आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इस तरीके से हड्डी के जस्ट ऊपर में आपको कलर को अप्लाई करना है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड अप्लाई करेंगे। ये हमारी हड्डी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कलर लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पे डार्क, कोई भी डार्क कलर, तो डार्क ब्राउन मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक आईज पे मैं सिंपल लुक दिखा रही हूँ, दूसरी पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊंगी। ये तो ब्राइडल्स के लिए या फिर नेचुरल मेकअप के लिए होगा। हमने पहले हड्डी के ऊपर जस्ट अप्लाई किया था, इसको जस्ट हड्डी के नीचे में डार्क कलर अप्लाई करेंगे, डार्क ब्राउन, ये वाला कलर। ओके, इधर मैं कुछ अप्लाई नहीं करी, फिर थोड़ा सा डिफरेंट अप्लाई करेंगे। ओके, डार्क अप्लाई कर लिया। अब हम लोग बनाएंगे कट क्रीज। कट क्रीज के लिए ये हमारा कंसीलर है, देन ये हमारा ब्रश है। इस टाइप का जो ब्रश आता है वो वाली ब्रश लेनी है आपको कट क्रीज बनाने को, या तो कंसीलर को ऐसे ही, ओ सॉरी ब्रश मेरा निकल गया, कंसीलर को मैं इस पर थोड़ा सा ले ली हूँ, इतना काफ़ी है कट क्रीज बनाने के लिए। हम इसमें लगा देते हैं, सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो रहे हैं, बहुत जल्दी प्रोडक्ट लेके आने वाली हूँ। मिरर ले लीजिए हाथ में, देन कट क्रीज बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा तो अच्छे से बताने वाली हूँ कि कैसे कट क्रीज सेट करोगे तो आपका जो कलर है वो कट क्रीज पे नहीं जाएगा, और प्रॉपर कट क्रीज की जो लाइन है वो दिखाई देगी आपके मेकअप में। तो इस तरीके से आपको कट क्रीज बनानी है। ओके, इसको आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेना है पहले, ताकि जो भी कलर आप अप्लाई करो तो ये फैले नहीं और अच्छे से रहे। कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया,
ऐसे टैप टैप करके लगा दूँगी। ओके, इससे आपका जो कंसीलर है वो सेट हो गया। फिर से अब दोबारा से हम लोग आई शैडो पैलेट लेंगे एंड ये लेंगे एंड जो हमने डार्क ब्राउन कलर अप्लाई किया था वो यहाँ से दोबारा से अप्लाई कर लेंगे। अब थोड़ा सा इससे लाइट कलर अप्लाई करेंगे, ये डार्क ब्राउन हो गया। इसके बाद हम लोग पिंक कलर ले रहे हैं। इस तरीके से इसके बाद हम लोग ग्रीन कलर लेंगे। इसके बाद हम लोग डार्क ग्रीन लेंगे। इसके बाद हम लोग गोल्डन कलर लेंगे। दैट्स इट। अब आपको नीचे में डार्क ब्राउन वाला कलर लेना है एंड अगर आपको ये वाला कलर थोड़ा सा थोड़ा दिख रहा है तो आपको ये वाला ब्लश ब्रश पिक कर लेना है देन डार्क ब्राउन कलर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग ब्लू वाटर लाइन पे लाइनर अप्लाई करते हैं। वहाँ पे ये कलर अप्लाई करेंगे, आप चाहो तो ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा डार्क पिंक कलर लेंगे। इनर कॉर्नर पे वाइट कलर का शेड लेंगे। अब इस पर आप ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो एंड आपका लुक जो है वो काफ़ी परफेक्ट दिखेगा। काजल अप्लाई कर सकते हो। काजल मैं यहाँ पे लैक्मे का अप्लाई कर रही हूँ। ओके, लाइनर अप्लाई करना ही करना है। बिना लाइनर के परफेक्ट लुक नहीं आता है। इस टाइप का अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाइनर की विंग्स जो है वो लंबी करनी है। ओके, इस तरीके से एंड यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे एंड इसको फिल कर लेंगे। उसे टच करते हुए और लो वाटर लाइन पे आईलाइनर जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपको अपने आई मेकअप को बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का दिखाना है तो। ओके, तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। इस पर आप थोड़ा सा ग्लिटर लगा सकते हो, ऑप्शनल है। नहीं मन है तो नहीं लगाओगे, अब मन है तो आप लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी
लाइट कर अप्लाई कर सकते हो। तो ग्लिटर अप्लाई करने के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे ग्लिटर ब्रश, ये रहा। और लाइट पिंक या फिर गोल्डन कलर या फिर येलो कलर आप थोड़ा सा पिक करेंगे। और यहाँ पे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। ओके, बस थोड़ा सा जो लुक है वो और अच्छा दिखेगा इसको। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हुआ एक आईज का। इस पर क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं दूसरा वीडियो बना लेते हैं इस वाले आईज के लिए। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई लैसेज लगा के अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेडिंग पार्टी एंड फंक्शन एंड छोटा मोटा फेस्टिव सीजन है, तो आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हो अपने लुक को अच्छा और खूबसूरत दिखाने के लिए। एंड एज ए मेकअप आर्टिस्ट कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ मैं इस तरीके से। तो कौन सा दोनों में से अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्रीत तिवारी चैनल पर ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी पूरी बारीकी के साथ। एंड सेकेंड चैनल पर मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ डे बाई डे अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड ये मेकअप कैसा लग रहा है